नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज रायते है। मैं जनरल लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड बेरियाट्रिक सर्जन हूं और पेट की बीमारियों की ट्रीटमेंट्स में मेरी एक्सपर्टीज है। तो हमने एक सीरीज अभी चालू की है जो हर्निया पे डिस्कशंस करती है। तो उस सीरीज में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हर्निया को डायग्नोस कैसे किया जाता है, मुझे हर्निया है ये मैं कैसे समझूं। द सिंपलेस्ट थिंग और ईजिएस्ट वे इस चीज़ को समझना है कि हमारे नाभि के यहाँ या जांघों में या पेट के ऊपर एक गांठ या गोले जैसी चीज़ दिखने लगती है। ये गोला दिखता है क्योंकि पेट के अंदर से कोई ना कोई ऑर्गन या अवयव इसमें आके अटक जाता है। तो कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ हर्निया इज अ स्वेलिंग, मतलब वहाँ पे गांठ या गठान दिखने लगती है। द सेकंड कॉमन सिम्टम ऑफ हर्निया इज पेन। तो अगर हमें पेट में कहीं दर्द हो रहा हो और हमने पेट की सोनोग्राफी की, तो पेट की सोनोग्राफी में हर्निया का डायग्नोसिस काफ़ी बार हो जाता है। तो अगर जांघों का हर्निया हो तो जांघों के हर्निया के जगह में एक सूजन या फुगा या गांठ दिखने लगती है। बेम्बी का हो तो उधर एक फुगा या गांठ दिखने लगती है और इससे पता चलता है कि शायद हर्निया की शुरुआत हो गई है। इसका कन्फर्मेशन हम पेट की सोनोग्राफी करके कर सकते हैं। पेट की सोनोग्राफी पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना ज़रूरी रहता है। एक, हर्निया का डिफेक्ट कितना है, मतलब जो हर्निया होता है उसका जो गैप बना है पेट के अंदर वो कितना है, साइज़ क्या है, और इस हर्निया में कौन सी चीज़ आके रुक रही है या अटक रही है, जो कि ओमेंटम हो सकती है जो पेट के अंदर की चर्बी रहती है, या आत रह सकती है जिसको स्मॉल बॉवेल कहा जा सकता है। तो अगर आपको ऐसी कहीं जगह स्वेलिंग या गठान दिख रही हो तो उसकी सोनोग्राफी करके आप उसका कंफर्मेशन कर सकते हैं और फिर एक्सपर्ट सर्जन ओपिनियन लेके उसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। एक बार हमें ये पता चला कि हमें हर्निया की तकलीफ है तो उसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है ये हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको सर्जिकल प्रॉब्लम्स में कोई भी डाउट क्वेश्चंस हो या और कोई प्रॉब्लम्स मुझसे आप समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।